और इस बीच भारत के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला भारत अगले दशक में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह दावा वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए किया है। देखिए आप पूरी खबर। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत फिलहाल बन चुका है। भारत से आगे अभी जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका है। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत अगले दशक तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार बनने की संभावना है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि 2031 तक $7.5 trillion से अधिक होगी भारत की GDP। बाजार पूंजीकरण $10 trillion होने की संभावना, प्रति वर्ष 29 लाख कमाने वालों की संख्या 2.5 करोड़, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर करीब 4.35 लाख हो जाएगी, ई कॉमर्स की पहुंच दुगनी होकर 12.3%, इंटरनेट उद्योगकर्ता 96 करोड़ तक हो जाएंगे, ऑनलाइन खरीदार 70 करोड़ तक हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी कर्मियों की संख्या 1.22 करोड़ से ज्यादा, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच 60 से 70% तक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले रुझानों और नीतियों को देखा गया है, जिसके फलस्वरूप भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती हासिल कर रहा है।